नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। लोक आस्था का महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बाकी रह चुकी है और छठ को लेकर तैयारी काफी जोरों पर चल रही है। जहां एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान यानी सफाई अभियान काफी जोरों पर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी रोशन कुमार ने शहर के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया और उसे सही करने का, दुरुस्त करने का दिशा निर्देश भी अपने कर्मियों को दिया। जिलाधिकारी ने छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए पाया कि काफी छठ घाटों में अभी भी आने जाने में काफी कमी महसूस की गई, उन्हें दुरुस्त करने का दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने दी। हाँ, लगा हुआ है। नहीं, ये हम लोग का नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होता सर, ये पानी बराबर बराबर कर लेते हैं। हाँ, बराबर इसको भी चार्ज करना होगा, इसको बराबर कर बाकी है जितना ये सब कचरा। इधर अलग समिति, उधर अलग समिति है कि नहीं सर? वो अलग है। दोनों दो वार्ड हो जाए, दो वार्ड वो 35। इसमें क्या पानी आने भी निकलता है क्या? पाइप जो लगा लोकल ही आते हैं, दूर वाले भी लोकल यहाँ कमर पर पानी होगा अभी से शर्ट के टाइम क्या कहते हैं, कितना पानी रहता है? इतना अगले साल मैंने हमें अभी दे दी, लेकिन एक किलो घाट पे लगा दिया, चोरी की बीमारी आपको। वो तो ठीक है, लगा हुआ है, हम लोग बनवा के लगवाए हैं। कंटिन्यू लाइट जलता रहे तो जल सकता है। ठीक है, हम लाइट एक और दो लाइट चलता है, दो लाइट चलता है, दो लोग लाइट चल रहे हैं। घाट के लिए छठ बाद हम लोग वेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, छठ ना छठ के बाद हम जब लंबा होगा तो पानी हो सकता है, किस पे आ जाएगा आदमी लगभग सब खोल निकल जाएगा।